हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैद्यनाथ का वंसार ब्लड प्यूरीफायर के बारे में। क्योंकि कई लोगों की डिमांड थी कि सर हमारी स्किन ब्राइट नहीं हो रही है, स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल हैं, आप ऐसा कोई सिरप बताइए जिससे ब्लड प्यूरीफायर हो सके, हमारा ब्लड साफ हो सके, डिटॉक्सीफाई हो सके हमारी बॉडी। तो उसी की डिमांड पर ये वीडियो है। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज हम बात करने वाले हैं वैद्यनाथ वेंसार ब्लड प्यूरीफायर के बारे में। इसकी यदि बात करें तो ये 450 ml की पैकिंग में आता है और इसकी MRP रहती है 300 रुपये। कम ज़्यादा भी होती रहती है, पर अभी जो है 300 रुपये इसकी MRP है। इसके बारे में बात करेंगे, अब इसका क्या क्या वर्क है। ये बहुत सी इसका जो काम है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा काम है इसका, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंदर क्या क्या रहता है। तो फर्स्ट इसके अंदर रहता है अनंत मोल। ये जो भी कंटेंट इसके अंदर है पूरा आयुर्वेदिक कंटेंट है और ये पूरा आयुर्वेदिक सिरप है। इसके अंदर पहला है अनंत मोल, सेकेंड है इसके अंदर अमलतास, थर्ड नंबर पे है इसका हरिद्रा, और फोर्थ नंबर पे है इसके अंदर गुलाब फूल, भृंगराज है फिफ्थ नंबर पर, और सिक्स नंबर पर है इसके रक्ता, और सेवन्थ इसके अंदर है कालमेक, और इसके अंदर हल्दी भी मिलाया गया है जिसे हम टर्मरिक बोलते हैं, और इसके अंदर नीम की छाल भी मिलाई गई है, और इसके अंदर गिलोय भी मिलाया गया है। ये तीन ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, हल्दी, तुलसी और गिलोय। ये सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं हमारे ब्लड को प्योर करने में, साफ़ करने में। वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर लीवर और किडनी है, ये दोनों करते रहते हैं हमारे ब्लड को साफ, डिटॉक्सीफाई करते रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके अंदर इसके बारे में कि इसका कब यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए, ग्लो लाने के लिए हमारी स्किन में। और आपकी स्किन में न्यूट्रिशन की कमी भी हो जाती है, उसकी कमी को भी है पूरा करता है। और थर्ड है, आपकी स्किन में यदि पिम्पल हो गए हों तो पिम्पल को भी ख़त्म करने का काम ये सिरप करता है वंसार ब्लड प्यूरीफायर। और यदि आपको किसी भी प्रकार की बॉडी में इचिंग होती है स्किन में, तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम भी करता है। और यदि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, दाद हो गई हो, खुजली हो गई हो, सोराइसिस हो गया हो, तो वहाँ पर भी ये सिरप जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। जो बैक्टीरिया रहते हैं उन्हें किल करने का काम ये सिरप करती है, बैक्टीरिया को भी ख़त्म करने का काम ये सिरप करती है। तो इस सिरप का यूज़ बहुत जगह किया जाता है हमारी स्किन को ग्लो लाने के लिए, पिंपल कम ख़त्म करने के लिए, इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। हम बात कर लेते हैं इस सिरप को आपको लेना कैसे है, क्या इसके डोज रहेंगे। तो एडल्ट डोज में बता देता हूँ आपको, आप इसे 15 से 20 ml आप ले सकते हैं, दो बार सुबह और शाम आप इसको ले सकते हैं। यदि आपको पीने में यदि ये कड़वा लगता है तो आप इसे एक गिलास पानी के अंदर 15 से 20 ml डालकर आप इसे ले सकते हैं, दो बार सुबह और शाम आप इसे इस प्रकार भी ले सकते हैं, पानी के अंदर मिलाकर इसे आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गई इसके डोज के बारे में बात। अब बात करते हैं इसे प्रेग्नेंट लेडी ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं। तो प्रेग्नेंट लेडी इसको ले सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है, पर आपको डॉक्टर की सलाह से आपको इसे यूज़ करना है। और जो महिलाएं दूध पिलाती है बच्चों को, वे भी इस सिरप को ले सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है, आसानी से ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है। और जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ है वह भी इसको ले सकते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट भी इस सिरप को ले सकते हैं। बात करें किसी व्यक्ति को लीवर किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो वो ले या न, यदि किसी व्यक्ति को लीवर डैमेज है या किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो वो इस सिरप को ना लें। अपने डॉक्टर को पहले ही बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आपको डोज प्रेस्क्राइब करेंगे और मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। यदि इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें हम, तो इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं पेट में दर्द होना, उल्टी होना, या फिर आप में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। यदि इनमें से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो आप तुरंत इस सिरप को बंद करें और अपने डॉक्टर से परामर्श लें, ताकि वो आपको दूसरी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें और जो आपको साइड इफ़ेक्ट दिखे उनको सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।